जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। किसी शहर में एक व्यक्ति था, वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लग जाता था। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता था। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला है ही नहीं। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई गुरुजी आने वाले हैं। यह जानकर वह गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी उस गांव में जिनके यहाँ ठहरे थे उनके पास बहुत सारे ऊंट थे। गुरुजी के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हो। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। गुरुजी ने उसकी बातें सुनी और कहा, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं आज यहीं रुकूँगा तो तुम इन ऊँटों की आज देखभाल करोगे। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो, जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना, मैं तुमसे कल सुबह बात ज़रूर करूँगा। अगले दिन गुरुजी ने उस आदमी को बुलाया, उसकी आंखें लाल थी। गुरुजी ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसे नींद आई? उस व्यक्ति ने बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो सो जाना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर नहीं सो पाया। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता दूसरा खड़ा हो जाता, सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर नहीं सो सका। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, गुरुजी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। गुरुजी बोले, नहीं नहीं, दरअसल यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है, एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतज़ार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। गुरुजी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। तब गुरुजी ने संगत से पूछा कि अब पता चला कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे निपटारा भी होता रहता है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।